हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं वीवो I20 मुकाबले जो खेला जाएगा सनराइजर हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम के अंदर 23 अप्रैल को रात के 8 बजे। सबसे पहले वहां की पिच रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो चेन्नई का पिच जनरली काफी स्लो ट्रैक रहता है और यहां पे स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद मिलती है जो हमने पिछले मुकाबले में देखा है। पर यहां पे ड्यू फैक्टर भी काफी ज्यादा आता है क्योंकि चेन्नई का पिच यहां पे समुद्र पास में ही है तो ड्यू फैक्टर काफी ज्यादा बीच में आता है। तो जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करने का फैसला लेगी। सबसे पहले बात करता हूं होम टीम चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में तो उनका फॉर्म पिछले दो मैच अच्छा नहीं रहा, पिछले दो मैच मैच आ रहे हैं फिर भी वो टॉप ऑफ द टेबल चल रहे हैं। चेन्नई का ग्राउंड है उनको वापस से काफी सपोर्ट करेगा तो इस ग्राउंड के अंदर वो वापस से हरभजन सिंह को लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि सामने वाली टीम में डेविड वॉर्नर है और डेविड वॉर्नर को जल्दी से आउट करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इस मैच के अंदर आप हरभजन सिंह को वापस आते हुए देख सकते हो। दूसरी बात, पिछले मैच में ड्वेन ब्रावो भी फिट होकर वापस आ गए तो ये काफी अच्छी बात है। पिछले मैच में हमने वापस से एम एस धोनी का एक शानदार फॉर्म देखा, उन्होंने एक शानदार हिटिंग करी पर टीम को एक रन से टीम हारी। पर हमने देखा कि एम एस धोनी अपने डे पे क्या कर सकते हैं तो एम एस धोनी का फॉर्म में काफी अच्छी बात है। शेन वॉटसन का फॉर्म पिछले कुछ टाइम से काफी अच्छा नहीं रहा है, उन्होंने एक बड़ी पारी खेले को काफी टाइम हो गया तो शेन वॉटसन की स्क्रूटिनी है अभी तो शेन वॉटसन को जल्दी से फॉर्म में आना पड़ेगा। स्पिन बॉलिंग में इमरान ताहिर काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो आपके पर्पल कैप होल्डर की रेस के अंदर आते हैं तो इमरान ताहिर काफी बड़े एसेट हैं। और फास्ट बॉलिंग में एक दीपक चाहर ही उन्होंने शानदार बॉलिंग करी है तो दीपक चाहर का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करेगा टीम के लिए क्योंकि दीपक चाहर एक ऐसे प्लेयर है जो कि स्टार्टिंग में बॉल स्विंग करके देते हैं। शार्दुल ठाकुर ने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं करी है पर दीपक चाहर का फॉर्म काफी अच्छा रहा है फास्ट बॉलिंग में तो आई गेस ये प्लेइंग हो सकती है 5-2+ ओपनिंग कर सकते हैं शेन वॉटसन के साथ में। नंबर 3 पे सुरेश रैना, नंबर 4 पे अंबटी रायडू, नंबर 5 पे केदार जाधव, नंबर 6 पे एमएस धोनी, नंबर 7 पे जडेजा, फिर आपके ड्वेन ब्रावो, दीपक चाहर, इमरान ताहिर और आप इस मैच में वापस से खिला सकते हो हरभजन सिंह को जो कि शार्दुल ठाकुर की जगह आ जाएंगे तो शार्दुल ठाकुर की जगह आपके हरभजन सिंह तो हरभजन सिंह आपके स्पिनर हो जाएंगे, इमरान ताहिर आपके स्पिनर हो जाएंगे और जडेजा के स्पिनर हो जाएंगे और ड्वेन ब्रावो और दीपक चाहर के फास्ट बॉलर हो सकता है। तो ये एक काफी बैलेंस स्क्वाड होने वाला है और चेन्नई चाहेगा कि इसी स्क्वाड के साथ जाएगा और हरभजन सिंह का मैटर काफी करेगा क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो डेविड वॉर्नर का आउट कर पाए। अब मैं बात करता हूँ विजिटिंग टीम सनराइजर हैदराबाद के बारे में जो कि पिछले दो में से दो मैच जीत के काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के अंदर है और इस मैच के अंदर भी कॉन्फिडेंस जाएगी क्योंकि उन्होंने एक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को भी हराया है। उनके लिए मेन बात चल रही है डेविड वॉर्नर और जॉनी बेस्टो का फॉर्म। डेविड वॉर्नर जॉनी बेस्टो दोनों ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले मैच में उन्होंने शानदार पार्टनरशिप करी और कोलकाता को एक तरफ मुकाबले में हराया। तो सनराइजर हैदराबाद के लिए एडवांटेज भी यही है कि दोनों इतना अच्छा खेल रहे हैं और डिसएडवांटेज यही क्योंकि उनके अलावा बाकी बैटिंग टेस्ट नहीं हो पा रही है और जिस दिन ये दोनों बैट्समैन नहीं चलते हैं उनकी टीम अच्छा नहीं खेल पाती। तो देखने वाली बात होगी कि केन विलियमसन अपना फॉर्म कैसे मेंटेन रखते हैं आगे क्योंकि केन विलियमसन को अच्छा बैटिंग करनी पड़ेगी हैदराबाद जीतना है तो, क्योंकि जॉनी बेस्टो एक दो मैच के बाद इंग्लैंड चले जाएंगे और उनका फॉर्म काफी ज्यादा मैटर करता है सनराइजर हैदराबाद के लिए। हैदराबाद के लिए बॉलिंग काफी अच्छा परफॉर्मेंस करी, खासकर खलील अहमद जो कि काफी अच्छे विकेट ले रहे हैं, खलील अहमद का विकेट फॉर्म काफी अच्छा रहा है। भुवनेश्वर कुमार भी काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं और राशिद खान भी काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं तो एज अ होल बॉलिंग काफी अच्छा परफॉर्म करी हैदराबाद के लिए। पिछले मैच में स्टार्टिंग में शानदार शुरुआत दी थी क्रिस लिन ने और आपके सुनील नारायण ने, पर फिर भी उन्होंने बॉलिंग ने उनको काफी जल्दी होल्ड कर लिया था तो सनराइजर हैदराबाद की बॉलिंग उनके लिए काफी अच्छी बात है। और राशिद खान का नंबर 7 पे आना उनके लिए काफी अच्छी बात है, उनको हिटिंग भी दे देते हैं और आपकी बॉलिंग डेप्थ भी काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूं मनीष पांडे को टीम में नहीं रखना चाहते सनराइजर हैदराबाद, पिछले मैच में उनको नहीं खेला तो मुझे लगता नहीं कि इस मैच के अंदर भी मनीष पांडे टीम में आएंगे। उन्होंने यूसुफ पठान के ऊपर ज्यादा भरोसा दिखाया और दीपक हुड्डा पर ज्यादा भरोसा दिखाया तो इस मैच के अंदर भी आएगी सेम प्लेइंग हो सकती है। पर वापस से जॉनी बेस्ट और डेविड वॉर्नर का फॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम के लिए क्योंकि इन दोनों के फॉर्म के ऊपर काफी ज्यादा रिलाय करती है सनराइजर हैदराबाद की टीम। तो वापस से ये टीम हो सकती है सनराइजर हैदराबाद की, डेविड वॉर्नर ओपनिंग कर सकते हैं जॉनी बेस्ट के साथ में, नंबर 3 पे केन विलियमसन, नंबर 4 पे विजय शंकर, फिर आपके यूसुफ पठान, दीपक हुड्डा, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, संदीप शर्मा और आपके शाहबाज नदीम। तो यही प्लेइंग हो सकती है हैदराबाद की, कोई चेंज नहीं होने वाला इस प्लेइंग 11 के अंदर। वैसे देखा जाए तो चेन्नई के अंदर मैच स्पिन फ्रेंडली विकेट है, हैदराबाद के पास भी राशिद खान और शाहबाज नदीम में काफी अच्छे स्पिनर हैं तो वो भी अपने चांस को जरूर से बुनाना चाहेंगी। वहीं चेन्नई चाहेगी कि वो हैदराबाद के खिलाफ हरभजन सिंह को टीम में लाए क्या ताकि वो डेविड वॉर्नर का आपको लेफ्टी का विकेट निकाल के दें क्योंकि आपको वॉर्नर या फिर बेस्टो में से एक आउट करना पड़ेगा क्योंकि वापस इन दोनों की पार्टनरशिप चली तो आपको इनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो चेन्नई की बॉलिंग के ऊपर काफी ज्यादा रिलाय करेगा, चेन्नई का होम ग्राउंड में होम सपोर्ट काफी अच्छा मिलता है तो चेन्नई भी काफी अच्छे मोमेंट के साथ जाएगी इस टीम के अंदर। चेन्नई चाहेगी कि अपना होम सपोर्ट वो कंटिन्यू रखे, होम अपना फॉर्म कंटिन्यू रखे और दो मैच हार गए पर लगातार 3 मैच ना हारे क्योंकि टॉप 2 में रहना है और टॉप 2 में अगर रहना है तो मुंबई और दिल्ली से काफी ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है तो चेन्नई को भी इस मैच में जीतना काफी जरूरी है। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो पसंद जरूर लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। हम लोग बहुत बहुत थैंक यू, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।